वेलकम टू क्लास 7। आज तुम लोग को पेस्टल कलर से जो टॉपिक हम बनाएंगे, ये टॉपिक का नेम हाउ टू ड्रॉ स्टिल लाइफ विथ पेस्टल कलर। और उसको साथ साथ तुम लोग को कलर स्कीम भी समझाएंगे, कलर स्कीम नेम ऑफ द कलर टोन्स, नेम ऑफ द कलर टोन्स, कितना कलर ये स्टिल लाइफ कंपोजिशन में रहेगा, ये हम पार्ट बाय पार्ट तुम लोग को नेम हम दिखाएंगे। सो नेम ऑफ द कलर टोन्स, नेम ऑफ द कलर टोन, फर्स्ट देखो, फर्स्ट इज द लेमन येलो। लेमन येलो मीन्स दिस कलर इज लेमन येलो, दिस कलर इज लेमन येलो। अभी लेमन येलो से इसमें हम फिलअप कर रहे हैं। So, तुम लोग देखो केयरफुली, तो कलर टोन स्मूथली कलर करना है, बॉक्स का बाहर में नहीं जाना चाहिए, और व्हाइट जो जो निकलता है उसको व्हाइट भी थ्रो अप करके जाना है। तो लेमन येलो कलर इज कंप्लीट। एंड देन नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, द मीडियम येलो, नेक्स्ट है मीडियम येलो। मीडियम येलो ये हो गया तुम्हारा, थोड़ा कलर का चेंज है, देखो कलर का थोड़ा चेंज है। लेमन इज वेरी लाइट एंड क्रोम मीडियम येलो थोड़ा डार्क है। सो मीडियम येलो इज कंप्लीट। नेक्स्ट देखो क्या नाम है, येलो ऑकर। सो येलो ऑकर, दिस कलर इज येलो ऑकर, इसको भी फिलअप करना है, दिस इज येलो ऑकर। सो धीरे धीरे तुम लोग को आउटलाइन नहीं होना चाहिए, बॉक्स का बाहर कलर नहीं जाना चाहिए, बॉक्स का अंदर में तुम लोग को फिलअप करना है। So this is the yellow ochre color, box is complete, yellow box complete. And next kya hai, light green. So this is the light green thoda zyada dark nahi, halka karke pehle kar lo, uske baad thoda और एक बार डार्क डीप करके कर दो। सो दिस इज द लाइट ग्रीन। सो लाइट ग्रीन इज कंप्लीट। लाइट ग्रीन कंप्लीट। उसको बाद क्या है, सैप ग्रीन। सैप ग्रीन, दिस वन इज सैप ग्रीन, सैप ग्रीन। देखो लिखा है सैप ग्रीन, अभी सैप ग्रीन में इसको फिलअप कर। सब कलर में ज्यादा देखना है तुम्हारा, बॉक्स में ज्यादा व्हाइट मत छोड़ो, ज्यादा व्हाइट छोड़ेगा तो थोड़ा कलर में थोड़ा फिनिशिंग अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए तुम लोग को बढ़िया से केयरफुली कलर बनना है। सैप ग्रीन जस्ट नो कंप्लीट, सैप ग्रीन हो गया। इसको बाद क्या है, डीप ग्रीन। डीप ग्रीन, डीप ग्रीन थोड़ा देखने का ऐसा ब्लू तरफ लग रहा है, ब्लू टोन तुमको लगेगा, जिस तक ये कलर तो ब्लू लग रहा है, बट नो, इसमें यही है डीप ग्रीन, दिस इज द परफेक्ट कलर।
बॉक्स से बोरिया से चारों तरफ पाइपलाइन करके उसको बाद फिलअप करना है। सो डीप ग्रीन इज कंप्लीट, डीप ग्रीन हो गया। एंड नेक्स्ट कलर टोन क्या है देखो, नेक्स्ट कलर टोन लाइट ब्राउन, लाइट ब्राउन। व्हाट इज लाइट ब्राउन? दिस इज द प्राइमरी रेड। लाइट ब्राउन, ये वाला लाइट ब्राउन, एंड दिस वन इज डार्क ब्राउन, ब्राउन एंड दिस वन इज डार्क ब्राउन। तीनों कलर इसमें है। तो फर्स्ट लाइट ब्राउन तुम लोग करो, दिस इज लाइट ब्राउन। सो लाइट ब्राउन इज कंप्लीट। इसको बाद क्या है, ब्राउन, ओनली ब्राउन, दिस इज ब्राउन। थोड़ा आउटलाइन बुढ़िया से एक बार देख के लाइन खींचना है। सो ब्राउन टोन इज कंप्लीट, ब्राउन टोन इज कंप्लीट। इसको बाद देखो डार्क ब्राउन, दिस ब्राउन। ब्राउन का तीनों शेड है, सब में देखो येलो का तीनों शेड है, उसको बाद देखो ग्रीन का तीनों शेड है, कलर टोन है, ब्राउन का तीनों कलर टोन है। तो थ्री टोन ऐसे और भी ज्यादा होगा, बट दिस सेट में तीनों टोन भी रहेगा। तुम 50 सेट में इसको काम करेगा तो और भी ज्यादा टोन रहेगा, तो उसका भी जरूरत नहीं है। अभी यही कलर सेट में तुम लोग को टोन करो। एंड दिस इज ब्राउन, सो ब्राउन कलर इज कंप्लीट। एंड नेक्स्ट कलर क्या है, नेक्स्ट कलर से लाइट ब्लू, लाइट ब्लू। दिस वन इज लाइट ब्लू, दिस वन इज लाइट ब्लू। तो दिस वन इज लाइट ब्लू। पहला बॉर्डर लाइन कर लो। देखो हम बॉर्डर लाइन कर लेते हैं, उसको बाद बीच का कलर भर देते हैं। तो ब्लू कलर टोन इज कंप्लीट, सो लाइट ब्लू कलर इज कंप्लीट। लाइट ब्लू क्वालिटी कंप्लीट। सो नेम ऑफ द कलर टोन्स में कितना कलर है देखो, येलो का थ्री टोन है, 1 2 3, ग्रीन का 1 2 3, ब्राउन का 1 2 3, एंड ब्लू, ब्लू का देखो थ्री टोन ही होगा। सो सेरुलियन ब्लू, सेरुलियन ब्लू। This color is cerulean blue.
This color is cerulean blue. So cerulean blue is complete. Cerulean blue complete. Next kya hai? Ultramarine blue. Ultramarine blue. Next is ultramarine blue. का तीनों टोन देखो कितना अच्छा है. जब वाटर बनाएंगे, स्काई बनाएंगे, दिस टोन इज वेरी इंपॉर्टेंट. वाटर में तुम लोग को ब्लू यूज करना है, स्काई ब्लू, उसको बाद अल्टरमेरिन ब्लू, ये तुम लोग को यूज करना है. सो ultramarine blue is complete. Ultramarine blue complete. Next kya hai? Prussian blue. Prussian blue सबसे ज्यादा डार्क है. दिस ब्लू, दिस इज Prussian. So Prussian blue box is complete. Prussian blue is complete. उसके बाद Vermilion red. अभी red series में जाना है. This is Vermilion red. Vermilion red. उसके बाद क्या है? Primary red. This primary red. Vermilion red means ये orange group में चला जाएगा, but this color tone red का series में है, इसलिए इसको red series में आ गया Vermilion red. Vermilion red box is complete and next box orange group में आ जाओ. Next is orange group. This is orange. So पहले border line complete करो. Orange is complete, then black. White में कोई color नहीं है. Actually, तुम लोग को जो white हम दिखाया, white में white का काम क्या है? जो जितना color के साथ तुम white use करेंगे वो light हो जाएगा. White का ही काम है.
ऑरेंज का साथ तुम काम करेंगे देखो लाइट ऑरेंज हो गया, तो व्हाइट सब में इस तरफ यूज होता है। सो पेपर व्हाइट में हम छोड़ दें, दिस इज व्हाइट एंड देन ब्लैक। ब्लैक कलर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब तुम्हारा पेंटिंग्स कंप्लीट हो जाएगा उसको पहले लास्ट फिनिशिंग में तुमको ब्लैक टच करना पड़ेगा, फिनिश टच में ब्लैक आउटलाइन करना है। सो ब्लैक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द आउटलाइन। So black box is complete. Black box is complete. So name of the color tones, name of the color tones. पहले हम जो दिखाया है देखो yellow group, light green group and brown group and then light blue group. उसके बाद रेड ग्रुप में ऑरेंज एंड ब्लैक एंड देन व्हाइट। सो नेक्स्ट टॉपिक अभी हम जा रहे हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। ये कलर टोन्स तुम लोग को जो दिखाया है, दिस द कलर टोन्स। सो फर्स्ट तुम लोग को क्या करना है, फर्स्ट तुम लोग को ये कलर टोन मिक्सिंग करना है, बॉक्स में भरना है। उसके बाद जो जो कलर टोन, हाउ टू ड्रॉ स्टिल लाइन, स्टील लाइन में तुम लोग बनाएंगे। सो यही कलर टोन तुम लोग को स्टील लाइन में है। सो दिस वन इज कंप्लीट, इसको भी हम हटा देते हैं, इसको हम सामने लेके आ रहे हैं। सो फर्स्ट थिंग्स स्केचिंग, फर्स्ट इज स्केचिंग, द स्टिल लाइफ स्केचिंग। देखो हम स्केच करके तुम लोग को दिखा रहे हैं। स्टार्टिंग से हम कहाँ करेंगे, फर्स्ट फ्लावर वास हम बना लेते हैं, पॉट। सो ये पॉट का स्केचिंग, इसको बाद इसको सब क्या है देखो, हम बनाना कुछ बना रहा है। बनाना हम इसमें रखते हैं, इसको बाद हम चले जाएंगे एप्पल में। एंड नेक्स्ट ऑरेंज, इसको बाद हम ग्रेप्स में चले जाते हैं। ग्रेप्स देखो कैसे धीरे धीरे पॉट से नीचे भी आ गया है।
एक ग्रेप्स नीचे गिर गया है, राइट। सो आउटलाइन स्केच तुम लोग को ध्यान से देखना है। और एक तो फ्रूट्स है ऊपर में, सो स्टिल लाइफ कंपोजिशन आउटलाइन स्केच इज कंप्लीट। अभी इसको कलर में तुम लोग को जाना है। जो जो कलर तुम लोग को हम पहले हम बता दिया है नेम ऑफ द कलर टोन्स, सो नेम ऑफ द कलर टोन्स हम ऑलरेडी बता दिया है, सो वही कलर तुम लोग को इसमें पुट करना पड़ेगा। बनाना में कौन कौन कलर है, ऑरेंज में, एप्पल में कौन कलर है, ग्रेप्स में, ये देख के तुम लोग को जो कलर चार्ट हम दिया है नेम ऑफ द कलर टोन्स उसी के अंदर में सब कलर ये स्टिल लाइफ में है। सो अभी तुम लोग को स्केचिंग पार्ट जितना है इतना ही तक तुम लोग को आज हम दिखा रहा है। नेक्स्ट में हम इसमें कलर टोन में तुम लोग को दिखाएंगे, राइट। सो ओके, थैंक यू।